भाई डॉक्टर मैं हूँ, मैं बोलूँगा। Just shut up. You are a kid. Kid की तरह behave करो, behave yourself. और मैं असली में kid नहीं हूँ, जो मैं kid की तरह behave करो समझे? I am a reputed doctor and मर्द हूँ मैं पूरा का पूरा। और अगर मैंने मर्द की तरह behave किया ना तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। किसने कहा मुझे अच्छा नहीं लगना? मुझे भी बहुत अच्छा लगना है। Yes. Anyways, खजूर का बाप कहाँ है? वही जहाँ खजूर होता है। बेटा खजूर और बाप शकरकंदी की शक्ल वाला। इस मोहल्ले में एक भी ढंग का इंसान नहीं है। और मैडम आपने जो सर पर उबला हुआ आलू रखा ना, मैंने मुक्का मार के इसका पराठा बना देना है। और मैंने वो पराठा खा लेना है। अरे एक पराठा बनेगा वो भी आप खा लेंगी तो मैं क्या खाऊंगी? बस मोटी 24 घंटे खाती रहे सांड। पता भी है तीन तीन जजेस आने वाले हैं आज यहाँ। ओ चलो फिर ठीक है, फिर उनमें से एक मैं खा लूंगी। अरे सुपर डांस के जजेस बुलाए मैंने, पता ना तुम लोगों को? किड्स कॉम्पिटिशन है इसलिए ऑल ऑफ यू बिहेव लाइक अ किड। ओके मैं बनूंगा सुपर डांसर। लो मैं भी बनूंगी। मैं भी। आई लाइक इट। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे सोनी टीवी पे सुपर डांसर शो आ रहा है, बच्चों को पार्टिसिपेट करवाना है मुझे। बच्चे? हाँ ये कहाँ से बच्चे लग रहे हैं आपको? कपड़ा से। अपने स्कूल के बच्चों को कराइए ना आप। स्कूल में बच्चे कहाँ हैं? दो बच्चों ने एडमिशन ली थी, पास होके चले गए। और वैसे भी कपूर शर्मा, आप देखिए हर इंसान में एक बच्चा होता है। फटाफट यहाँ से दबा लो। फटाफट फटाफट फटाफट। आप क्या कह रही थी? देखिए मेरे पास बताइए आप, मैं बता रही हूँ आपको, मेरे पास बिल्कुल बताइए, मैं मान जाऊंगी। Get lost. Going, I'm going. जुड़ा संभाला नहीं जाता। सिद्धू भाई आपको मेरा डांस पसंद है? बहुत ज्यादा पसंद है आपको? सूरज की तरह सनी, कपिल की तरह फनी। How are you? Fine, thank you. You are not. कपिल कैसे हो कपिल? This one's for you. You're not taking care of yourself. You don't think so, कपिल? कितनी दुबली हो गई शिल्पा? अरे कैसी आप? जा रहे थे। अरे यार कैसे आप? कहाँ जा रहे हैं आप? आपका अगर खत्म हो गया हो। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा पुराना कुछ चल रहा है। नहीं इनका तो सबके साथ पुराना चलता है। सिद्धू भाई नमस्ते। नमस्ते। ध्यान रखिए, ध्यान तो इनका कहीं हुई पे। अरे बुझ रहे थे जो चिराग आज फिर से जलने लगे। वाह अच्छा, ये भी हमारे लिए है। क्या बात है। बरसते बरसते बादलों की तरह आसमां भी सेंटी हो गया है। अब आगे सुनो गुरु, पटाखा ठोकने पड़ेगा तुम्हें। देखो आपके आने से पहले जिंदगी टेस्ट मैच जैसी थी, बोरिंग। और आपको देखते ही जीवन लुभावना T20 हो गया। मुझे बोलो, मुझे बोलो। पाजी T20 के बारे में याद मत दिलाना प्लीज। आप पहली बार हमारे शो में आई हैं अनुराग सर, आप भी पहली। How sweet, so sweet. Thank you so much for coming. You're most welcome. Hi, how perfume कौन सा लगाया आपने? वही जो आपने कल भेजा था ना। आपको बच्चे इसीलिए तो नहीं गीता माँ कहते हैं? आप सबकी माँ है हर काम में। उन्होंने मुझे एक मकसद से भेजा है। किस मकसद से? बोले जा रहे हो तो पापा भी ले आए हो। I've never seen Anurag so quiet. बाप आ गया ना, चुप रहना पड़ेगा। नहीं सर हम बैठ के बातें करते हैं, प्लीज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा हमारी बहुत मुलाकातें हो जाती हैं, मेरी और शिल्पा की। इतनी बार मिलती हो, चाहती क्या हो आप? आप लोगों का शो आ रहा है ना सुपर डांसर। अच्छा ऐसा कभी नहीं हुआ गीता जी, आप अनुराग सर आप इतने सीनियर हैं। अब देखिए कोई सेलिब्रिटी अपने शो को दो बार प्रमोट करने आज तक नहीं आया, तो ये आपका अपने शो के प्रति प्यार है या मेरे प्रति? मतलब
सोनी के प्रति प्यार। तो कैसा लग रहा है आप तीनों को एक साथ? आपने तो मेरे ख्याल से अनुराग सर के साथ एक फिल्म भी की है, लाइफ इन ए मेट्रो पहले। जी जी। सर उसके बाद आपने कभी साथ में काम नहीं किया ना? नहीं, उसको बहुत रुलाया, बोला कि और नहीं करूंगी साथ में काम। सिर्फ रोई है उस फिल्म में। ऐसे क्यों? बिना ग्लिसरीन के। हाँ। रोने से मुझे याद आया गीता, मैंने आपको 150 बार कम से कम, नहीं नहीं मैं बताता हूँ, मैंने 150 बार इनको टीवी में देखा है और उसमें से 144 बार ना ये रोती हुई दिख रही है। किसी बच्चे ने बहुत अच्छा डांस कर दिया ये रोने लगती है, किसी ने गंदा डांस कर दिया रोने लगती है, कोई एलिमिनेट हो गया तो रोने लगती है। मुझे पता नहीं ऐसा गीता क्यों लगता है आप कंटेस्टेंट पे सट्टा लगाती है। अब वो बीड़ा इन्होंने उठा लिया है, अब बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है तो ये रोती हैं, वो अब इन्होंने टेक ओवर कर लिया। अब ये टेक ओवर कर दिया इन्होंने, ये रोंदू जज है हमारी, इनका इन्होंने नाम भी रख दिया है मेरा रोंदू जज। हाँ। दूसरा कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म करता तो आप रोने लगती हैं? जी। आपका अपना बेटा नहीं अच्छा डांस करता? ऑनेस्टली कपिल, मेरा बच्चा 4 साल का है, वो कुछ भी नहीं जानता इन बच्चों के मुकाबले। नहीं, पर आप हताश मत हो, हो सकता है कि वो 18-19 साल में जाके बॉलीवुड का इमरान हाशमी बन जाए। मेरा बेटा इमरान हाशमी बनेगा? आपको क्या लगा? राज को बहुत डाउट हो गए। इस पार्ट को एडिट कर दिया जाए। नसर एक, एक, एक बात बताइए, आपने फिजिक्स में बीएससी की है? हाँ, गलती से कर लिया था मैंने। Really? क्या मतलब? अभी क्या है, प्लान भी रेडी रखना पड़ता है ना, कुछ नहीं हुआ तो फिल्म इंडस्ट्री में कुछ और कर लूंगा। पर जब मैंने आपकी मर्डर देखी ना, मुझे लगा आपने फिजिक्स में PhD की होगी। तो वो फिल्म अनुराग सर ने ही डायरेक्ट की थी? नहीं, पर फिल्म मर्डर है और तुझे भीगे ऊंट ही दिख रहे, चक्कर क्या है? हद हो गई यार। आपने भी तो कहा था मल्लिका शरावत को, आपकी फिल्म देखी मैंने मर्डर, तो मैंने इनको बताया, मैंने कहा उसमें इमरान हाशमी भी थे, कहता वो नहीं मैंने देखा। ये बात तेरी ठीक है। उनका शेर मैंने क्या सुनाया था याद है तुझे? यहाँ कोई आवत है कोई जावत है, जो खुल के सामने आए वही मल्लिका शेरावत। लेकिन पाजी, I have to say कि जब भी मैं आती हूँ तो सबसे अच्छे शेर मेरे लिए ही मारते हैं आप। नहीं नहीं, पर एक बात मैं आपको बताऊँ, जो शेर आप उन्होंने पिछली बार बोला था ना आपके लिए, हाँ। वो 3 बार पहले दीपिका पादुकोण के लिए बोल चुके। निशाना चूक गया। रास्ता मेरे को एक बात बताइए, आप इतनी दो खूबसूरत महिलाओं के साथ एक बड़ा ही खूबसूरत शो जज कर रहे हैं, सामने कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, आप लगातार देखेंगे कि इधर उधर भी देखना पसंद करेंगे? मतलब नजर जाती है ऐसे? मुझे लिया किस लिए बताऊं आपको मैं? किस लिए? वो बैलेंस करने के लिए जज के पैनल को ना। अच्छा। गीता जी को पहले ले लिया था उन्होंने। अच्छा। तो बैलेंस करने के ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने काटा देखकर मुझे लिया है शो में। आपको पता है पाजी, गीता बहुत ही कमाल की कोरियोग्राफर हैं, इन्होंने ढेरों सारे टीवी शो जज किए हैं, जो नहीं भी आते टीवी पर वो भी जज कराती जाती हैं। एक्चुअली ये कभी अमेरिका जाएं तो वहाँ पे लोग सड़कों पे करते रहते हैं ना, ये उनको नंबर दे आती हैं, वेरी गुड 8 नंबर। तो ये इनको इनकी इतनी आदत पड़ गई जज करने की। अच्छा गीता, एक सही सही बात बताना, ये शो भी आप जज कर रही हैं, आपका मेरे ख्याल से 2021वां शो होगा ये, एक दो कम ऊपर नीचे हो सकता है जी। सीरियसली बताना, मेहनत करके स्टार्स को सिखाना अच्छा लगता है या बैठ के पैसे कमाना? और आपके ऑप्शंस हैं, और आपके ऑप्शंस हैं ऐसे बैठ के कमाना, ऐसे बैठ के कमाना, ऐसे या कैसे? ज्यादा मजा किसमें आता है? ऑनेस्टली पूछ रहे हो? जी, आई एम वेरी ऑनेस्ट पर्सन। मैं बताऊं? बताइए ना प्लीज। ऐसे। आपकी तो बेस्ट जॉब है दुनिया में। वैसे सीरियसली गीता, आपको ज्यादा मतलब जब आप फिल्मों के लिए कोरियोग्राफी करती है तब मजा आता है कि? नो, ऑनेस्टली जब काम करना था बहुत कर लिया। अच्छा। अब बैठ के कमाने में भी मजा है, सो लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, दैट्स व्हाट इट इज। हाउ स्वीट।
ये शो करने का मकसद भी और कोई है, ये शो करने का मकसद ये है कि इतनी मेहनत करी है, इतने लोगों के साथ काम करा है, इतने बच्चों को देख लिया है, अब आपके शो पे आने का वो जो मेहनत करी है वो सफल हुआ है, इसलिए शो किया है। Had to come. आप क्यों ब्लश कर रहे हो? I'm so popular, ना? At this point, he wants me to say कि अभी अभी जाके आए हैं लंदन, वेम्बली अरीना में जाके उन्होंने हाउसफुल शो परफॉर्म किया है। अरे गीता, आपकी शादी नहीं हुई, आपको सब बच्चे माँ माँ कहते हैं, गीता माँ, गीता माँ। जी। कभी कोई ऐसा शरारती बच्चा नहीं हुआ जिसने किसी लड़के को देख के पापा पापा बोल दिया हो, तो बाद में आपकी तरफ देख के मामा मामा, फिर उधर पापा पापा? बस आप कर लो, आपको भी बोल देगा। अच्छा, आप मजाक मजाक में बोल रहे हो, मैंने सीरियस हो जाना। वैसे आपको कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन मुझे भी नहीं पड़ता। What do you mean? मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। Nothing at all. यहाँ पे जितने लोग आए हैं, जितनी लेडीज आई हैं, खूबसूरत लेडीज आई हैं, वो हमेशा कहीं ना कहीं उनका कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आई हूँ, मेरा कुछ नहीं चल रहा है, फिर भी मैं आपको इस सच्ची ऑनेस्टी ईमानदारी की बात में 101 रुपया मेरी तरफ से इनाम। आप उसमें 100 और ऐड करके मेरे को वापस कर देना। मैं सीरियसली आप तीनों से एक बात पूछना चाहता हूँ। मैंने जितना आपके शो के प्रोमो देखे, बड़े क्यूट क्यूट बच्चे होते हैं, अच्छे परफॉर्मेंस भी है, नो डाउट, लेकिन आपको किसी ना किसी को एलिमिनेट करना पड़ेगा और सिलेक्ट भी करना पड़ेगा, तो आप क्या किस बेसिस पे करते हैं सिलेक्ट? इसके आंसू के क्वांटिटी पे हम लोग उसके बेसिस पे करते हैं। ये कम रोई तो ठीक है, ज्यादा रोई तो वही बस मापदंड उसके आंसू हैं शिल्पा के। तो गीता और अनुराग बोल जाते हैं जो भी बोलना है कंटेस्टेंट को, फिर मेरा टाइम आता है और मैं सोचती हूँ हम जहन्नुम जाने वाले हैं इन बच्चों का दिल तोड़ के। एंड देन सडनली आई स्टार्ट बेगिंग, मैं भीख मांगना शुरू करती हूँ दोनों जजेस से, प्लीज इन्हें पार करा दो। आप ऐसे नहीं बोलते, आप कैसे बोलते हो ये बताइए। कम ऑन, रेडी, 1 2 3 इफेक्ट में। तो एक एपिसोड के बाद अनुराग बोल देता था और मुंह फेर लेता था मेरे से, और गीता बोल देती थी और उस तरफ देखती थी, मेरी तरफ कोई देखता ही नहीं था। मैं तो इस डर से हाँ कर देता हूँ कि ये ना बोले अंकल आप करके दिखाओ। अच्छा गीता, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने इंडस्ट्री के बहुत सारे स्टार्स के साथ काम किया है जी, इन सब में से बेस्ट डांसर कौन है? ऋतिक रोशन, शाहिद कपूर, टाइगर श्रॉफ या कपिल शर्मा? रणवीर सिंह। अच्छा खराब डांसर कौन है? कपिल शर्मा। ऐसा नहीं बोलना था, ऐसा नहीं बोलना था। ज्यादा कौन ऐसा इस बात पे? आपकी मम्मी। नहीं, वैसे इनके और इनके बीच में एक कॉमन फैक्टर है। क्या? बोथ आर सुमड़ी डांसर्स। आपको कवर करने की जरूरत नहीं, मैं मान लिया। मैं जानती हूँ, सारी औरतें आपको नचाती हैं, आप नाच लेते हो ऐसा सुना है, सारे बच्चे इनको नचाते हैं, ये डांस कर लेते हैं, तो डांसर तो आप दोनों ही। हमारे दोनों के अंदर एक डांसर छुपा है अंदर। यस, यू नो गीता जी, ये जो दोनों जो सुमड़ी बैठे हुए हैं जी, लेट देम प्रूव टू अस एंड द ऑडियंस के कितना सुमड़ी में नाचते हैं। दैट दे कांट डांस एट ऑल, आप यही चाहते हो? एग्री। अनुराग सर, पहले तो आप एक काम करें। हाँ, आप रिलैक्स होकर बैठे, पेट निकाल के आप इधर रख दें। यार वो शिल्पा ने मेरे को दो डाइट पे रखा है, प्रार्थना डाइट पे रखा आजकल। व्हाट इज प्रार्थना डाइट? जितना खाना है खाओ, भगवान से प्रार्थना करो कुछ चमत्कार कर दो। इसके कुछ ऑर्गन मिसिंग है अंदर, इतना दुबला कैसे हो सकता है? नहीं नहीं। सर बहुत लोग आए यहाँ, सबसे हाजिर जवाब आप हैं। सो
सोनी चैनल की खासियत यही है, सब कमाल कमाल के बंदे इकट्ठे कर लिए। शो क्यों सुपर डुपर हिट होने वाला, क्योंकि तीनों लोग मैं जो देख रहा हूं ना, इन सबकी नीयत बहुत अच्छी। नीयत अच्छी होना तो हिट होगा पक्का। आपको इनकी नीयत का कैसे पता? आपने उधार लिया था इनसे? अच्छा वो ऐसे हंसा, मेरा सिंहासन हिल गया पूरा। अच्छा, लड़कों की हंसी से उनको प्रॉब्लम हो गई पाजी को आज। हाँ। लड़कियां पता क्या करती, जैसे सिद्धू पाजी का कंधा है तो कहीं तो ऐसी भी शरारती होती, जान के कहती सिद्धू सर के। कभी इनको प्रॉब्लम नहीं होती है। गीता एक मैं बात आपसे पूछूं, सच सच बताना जी, कभी किसी ने आपके ऊपर हाथ रख के कसम खाई कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा? आज आप रख दो खालो कसम। मैं कसम खाता हूं। रखना होता है नीचे नहीं, वो घर लेके जाने वाला हाथ होता है, हाथ ऊपर रख के कसम खाते हैं। मैंने कहा जी ऊपर हो नीचे हो, हाथ तो है ना। हाथों में हाथ है। अनुराग सर एक बात बताइए, बर्फी में आपने रणबीर कपूर को आवाज ही नहीं दी, हालांकि बहुत अच्छे डायलॉग बोल लेते हैं। प्रियंका को आपने स्पेशल चाइल्ड बना दिया। हाँ। तो इसका मतलब है आने वाले समय में आप तो किसी भी टाइम मतलब कोई पॉपुलर कॉमेडी शो के होस्ट को रोमांटिक हीरो बना सकते हैं मेरे ख्याल से। बड़ी बात नहीं है सर। जितनी तगड़ी तू अपनी प्रमोशन करता है दुनिया में कोई नहीं कर सकता, कसम से कह रहा हूं। कहां करूं और जाके मैं। जैसे मैं, मेरे मन में तो खैर हम अपनी बातें चलती रहेंगी, पर आपके नए शो को लेकर और आपसे लोग जो हैं बातें करना चाहते हैं, तो आप लोग जो जो पूछना चाहते हैं फटाफट आप लोग पूछ सकते हैं एक एक करके। जी मैडम, मेरे को आपकी साड़ी बहुत पसंद आई। हेलो कबीर सर, नमस्ते। शिल्पा शेट्टी जी नमस्ते। गीता मैम नमस्ते। मैं सबको आपको नमस्कार करती हूँ। मैं मेरा क्या? सिद्धू सर को भी नमस्कार करती हूँ। सर मैं मैडम मैडम ओ मैडम, मुझे तो अपनी कुर्सी खतरे में लग रही है। कच्ची होती ना कहीं। अब बैठ जाइए बैठ जाइए, हस्ती हस्ती किसी पे गिर ना जाना। पता चले कल को खबर आए कपिल शर्मा के शो पे हंसते हंसते महिला गिरी दूसरी महिला पे। अरे मैं मुझे इतना अच्छा लगा आपको देख के, मैं आपको करीब से देखना चाहता हूँ। थोड़ा सा ज्यादा बैठ जाएंगी ठक करके। अच्छा मुझे आपने सिर्फ आप खड़ी हुए, मेरे को आपका लाफ्टर टेस्ट करना है कि आपकी तो मुझे देखना आप कितनी छोटी छोटी चीज पे हंस सकती हैं। मान लो ऐसे ही। अच्छा सी एक्सपोजर। उनका प्रश्न रह गया। अच्छा आपका आपका सवाल, जी आपका सवाल क्या था? सवाल ठीक है। मेरा सवाल शिल्पा मैडम जी, मैडम अगर से आपकी गाड़ी बॉम्बे में रास्ते में कहीं खराब हो जाती है तो आप कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज कर से जाओगी? फिर मैं घर पे फोन करके दूसरी गाड़ी मंगाऊंगी। नहीं तो तुम क्या सोचती हो, तुम क्या सोचती हो कि वो टांगे पे जाएंगी? ऑटो से जाओगे? मेरे को थोड़ा सा डेमो देके बताओ मैडम, कैसा जाओगे आप? अभी क्या आपको ऑटो स्टार्ट करके दिखाए वो? नहीं मुझे प्रैक्टिकल, अभी हम लोग तो ऑटो वाला बन जा लेते हैं ना। ब्रूम ब्रूम कर दे कभी सर, आप करके बताओ जरा। आप इस सीन को डायरेक्ट करिए प्लीज। ये ऑटो वाले है, मैं मेरी गाड़ी खराब हो गई है और गीता जी मेरी ड्राइवर है। गीता जी मैडम आज गाड़ी खराब हो गई है, गीता से नहीं जाएगा। क्या तो मैं घर कैसे पहुंचूंगी?
भाई डम मेरे को मालूम नहीं, गाड़ी तो नहीं जाएगा। देखो आसपास कोई ऑटो वाला है क्या? भाई डम ये भी काम में करेगा। मैंने कहा आपको घोड़े पे छोड़ा है। अच्छा देखो मैं कोई चीज दिखाऊं। अच्छा सुनो सही, ये देखो, अच्छा ये देखो, ये देखो, ये देखो, अच्छा लिसन सुनो सही, ये देखो। ओ लॉर्ड, सुनो मेरी बात एक बार जाओ, जब भी आपके पति ने आपका घूंघट उठाया था पहली बार। सर बहुत साल हो गए, कई साल हो गए हैं, याद नहीं अभी कैसे उठाया था। ये लीजिए पानी पीजिए। मुंह खोलिए, ऐसे 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 मुंह खोलिए। अरे ऐसे ऐसे थोड़ी होता है, पानी पीजिए, पानी पीजिए। देखो भाई बापरे, हेलो शिल्पा जी, हेलो, हेलो गीता माँ जी, हेलो अनुआ। ये क्या कर रही हैं आप? अरे अनुराग नाम है ना इनका, तो अनु के पीछे राग आ रही हूँ। वैसे कपूर शर्मा बताएं मेरे बारे में। ये हमारी सोसाइटी की टीचर है और ये बहुत ही अच्छी तरह से हमारे जो बच्चों की भविष्य से खिलवाड़ कर रही हैं। दिस मैन ना, his presence always gets a lot of nonsense. Now I'm tense. Anyways, let's not spoil the moment. मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे आपके शो सुपर डांसर में पार्टिसिपेट करें, आप उनका ऑडिशन भी ले सकते हैं, लेकिन बिफोर दैट अनुराग जी, हाँ जी, ये सब तो मुझे टीचर की नज़र से देखते हैं, लेकिन आप एज अ डायरेक्टर मुझे हीरोइन की नज़र से भी देख सकते हैं। आई वुडन्ट माइंड। ये क्या था? ऐसे मतलब बराबरी में देख रहा था, लो एंगल में। ओह माय गॉड, ये कोफ्ता जो आपने ऊपर रखा है इसको बना भी नहीं देती आप। वो आपको हीरोइन की नजर से नहीं, वो आपको गेट आउट की नजर से देख रहे हैं। हाउ यू डिड दिस इज वेरी अनफिट, जस्ट शट अप एंड स्टार्ट ऑन योर चेयर, व्हाई यू टॉक, व्हाई यू इंटरफेयर ऑलवेज, टू मच। अनुराग जी, हाँ जी, मुझ में और शिल्पा जी में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, बस इनकी थोड़ी टांगे लंबी है, थोड़ी वेस्ट कम है और सुंदर बहुत ज्यादा है, बाकी तो सब सेम टू सेम है। आएगी क्या? बस इसका ये बस मेरे ज्यादा अच्छा है। तो बताइए, वैसे बीइंग अ टीचर मैं बताना चाहूंगी कि फिल्म में थोड़े से अगर ऐसे वैसे सीन हुए तो मैं बिल्कुल करूंगी। आपको एक्टिंग आती भी है कि नहीं? कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगी। ये तो हीरो हीरो वाला डायलॉग है। तो हाँ, तो मुझे फिल्म में ऐसे हीरो रख लीजिए। जी जी, तुम हीरो कैसे बन सकती हो? अच्छा, तुम्हारे मोहल्ले में लड़के लड़की बन सकते, लेकिन मैं हीरो नहीं बन सकती। अनुराग जी, हाँ जी, हाउ वाज़ माय परफॉर्मेंस? यू कैन साइन मी। आप ऐसे ना किया करें, आपका गुलाब उनके नाक में घुस रहा है। आपको जान के खुशी होगी कि आपको बेटे देश निकाल दिया जा रहा है। दो दुनी चार, चार दुनी आठ, इस बंदे की तो मैं लगा दूंगी। ये क्या कर रही है आप? क्या करूं, क्या दिख नहीं रहे? आपके बच्चे कहाँ हैं? अरे बच्चे तो बाद में होंगे, पहले शादी तो हो जाए, और अभी तो शादी के लिए उन्होंने हाँ भी नहीं की है। अरे पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ। ओके ओके, बुला रही हूँ, पहले मंच तो तैयार कीजिए। बच्चों आ जाओ। एक सेकंड, आपके बच्चे परफॉर्मेंस दिखाएं। कितना अच्छा लग रहा है, और आज माँ और पा इकट्ठे आए हैं। माँ पा कहाँ हैं? ये गीता माँ और ये शिल्पा।
सर जी ये कैसे बच्चे हैं? ये कहाँ के बच्चे हैं? किस टाइप के बच्चे हैं? ओवरग्रोन बच्चे हैं। असल में हम ना सीनियर कोटा टाइप बच्चे हैं जी। हम इनसे फीस नहीं लेते, हम तो इनसे पेंशन लेते हैं। ये अनुराग सर एक्चुअली मैं बताता हूँ, मेरी सोसाइटी के बच्चे बहुत गंदे बच्चे हैं। ये जो सबसे उस तरफ खड़ा ना, ये तो नहाता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं नहाता। लोगों की ईमेल आईडी होती है, इसकी मेल आईडी है। आपके बच्चों के ऑडिशन होंगे, पहले मेरी जजी से दरख्वास्त है आप इस अपने पैनल पे आ जाइए, जूरी सारी इधर आ जाए। इनको करना है ऑडिशन? इनका ऑडिशन आपको करना है। इतने बड़े बड़े बच्चे कहीं देखे आपने पहले? कहीं होते 100 करोड़ की बर्फी भी कहाँ होती है, इनकी थी ना। आज तो पता की थी। अनुराग जी कब तक ये बर्फी खाते रहेंगे? कभी कुछ चटपटा खाने का मन हो तो बताइए। आपका ना एंटीना एक्चुअली ज्यादा नेटवर्क पकड़ रहा है, आप इसलिए ओवर कर रही। देखिए ये कौन से रंग दिखा रही हैं आप, ये सोनी टीवी, यहाँ पे रंग दिखाना मना है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई मे स्टिल बी सोनी। बच्चे अपने आप परफॉर्मेंस कर लेंगे, आप उनको डिस्ट्रैक्ट ना करें जज इसको। आप ना आप मुझको सुपर डांसर में रख ले, आप मैं ना बड़े डांस कर लेता हूँ, मैं ना सासा कटिंग भी कर लेता हूँ और ना कच्ची पूरी आलू भी कर लेता हूँ। वेस्टर्न करते हो, वेस्टर्न डांसिंग? इसको सिर्फ कच्ची पूरी आता है, मैं तो पक्की पूरी भी कर लेती हूँ। चलो टैलेंट दिखाओ अपना, चलो शाबाश। टैलेंट चल दिखाते। कैसे दिखाना है? खाली पकड़ना, वापस लूंगी। चल चल इधर आ, इधर नहीं आना, इधर से कल कहीं। अरे मेरे मुंह पे थोड़ा कैसे मारा? तूने गाना नहीं सुना क्या? गोले के दुम पे मारा हथौड़ा, तो मैंने तेरे मुंह पे हथौड़ा मारा। ऐसा तो तुम्हारा मुंह भी हथौड़े जैसा है, तो तुम्हारे मुंह पर मैं क्या दम मार दूं? तू मेरे को क्लास के बाल मिल, मैं तेरे को बताती हूँ, तेरे मुंह पे इंक मार के मैंने लाल कर देनी है। इंक तो नीली होती है, मुंह लाल कैसे करोगी? साथ साथ थप्पड़ भी मारूंगी। इंकलाब जिंदाबाद। तुम लोगों ने मेरा नाम रोशन किया, इतना रोशन किया, बाहर रोशन घर जाके उससे मिलो। एंड टेक दिस लोशन, आफ्टर रोशन पुट दिस लोशन। नो मोर क्वेश्चन, गेट लॉस्ट। मैडम ये कैसे बदतमीज बच्चे हैं, वाह याद बिल्कुल आप पे गए हैं। मुझ पे गए हैं? जी आप पे गए हैं बिल्कुल। अरे कभी आप भी कहीं आया जाए कीजिए ना, जब तक मैं यहीं बैठे रहते। जॉन्चवरी जॉन्चवरी और भी बच्चे हैं मेरे पास। नेक्स्ट बच्चों हमारे शो सुपर डांसर पे सिर्फ 4 साल से लेकर 14 साल के बबच्चे अलाउड है। हाँ तो इनके 60 निकाल दो, बाकी 4 ही बचते हैं इनके भी। कौन है आप? रे रे। हेलो अनुराग जी। नमस्ते। हेलो शिल्पी जी। शिल्पी नहीं पा, पा तो बच्चन साहब है यार। हेलो गीता। गीता माँ बोलिए। माँ होगी तो मैं, मेरे लिए तो सिर्फ गीता है। क्या करने पड़ेंगे वापस? लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते? मैं ना गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मैं जो डांस करूँगा अच्छा करूँगा, अच्छे के सिवा कुछ नहीं करूँगा। जैसे मैं बता दूँ, मैं मास्टर मशहूर गुलाटी BCD। BCD मतलब? बहुत क्यूट डांसर। एक बार बताइए आपको कैसे डांस आता? एक तो पहली बात आप बच्चे लग रहे हैं, आपके सारे बाल सफेद हैं। और मैं टूथपेस्ट से धोता हूँ ना, इसलिए सफेद हो गए। आपको कोई डांस फॉर्म आती है पहले भाई बताइए? पहले डांस की फॉर्म आती है? मेरे को तो लगा था सिर्फ शेविंग फॉर्म आती है और क्लोरो फॉर्म होती है, सोफा की फॉर्म होती है, पर डांस फॉर्म मैंने कभी ये सुना नहीं है। डांस का तो कोई फॉर्म नहीं होता ना। सालसा के बारे में बताइए अगर आपको पता है डांस का तो। चलिए सालसा साला सा। बैठ के बताइए आराम से, कोई बात नहीं, बैठिए बैठ के बताइए। मैं क्या ऐसे कौन पूछता है यार?
ये राजस्थानी है। राजस्थानी कैसे? राजस्थानी मतलब देखो, हम लोग अपने में साला कहते हैं, वो साला सा कहते हैं। जीजा सा, माँ सा, उस हिसाब से। मतलब काफी नॉलेज लगती है आपको। लगता है काफी साल से डांस कर रहे हैं आप। साल से नहीं, डांस ताल से होता है यार, ये तुम समझे मेरी बात। और कई लोग ऐसे हैं जिनको सालों से डांस नहीं आ रहा, कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिए, डांस के लिए ना पार्टनर चाहिए होता है, वो कहाँ है आपका पार्टनर? आई एम सिंगल बट गीता जी आई एम रेडी टू मिंगल। अगर आप मेरे साथ डांस करना चाहे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू टेल यू आई एम ए डॉक्टर ऑल्सो, और डॉक्टर की तरह मेरी बहुत सारी ड्यूटीज हैं। शिल्पा जी, आई वॉन्ट टू डू योर ईयर टेस्ट, बिकॉज डांस को जब शो आप जज करेंगी तो ताल मिस नहीं होनी चाहिए, सो आई वॉन्ट टू टेस्ट योर ईयर्स, प्लीज इसको यहाँ लगाइए, कानों में लगाइए अपने, प्लीज। ये मुझे लगाना पड़ेगा? अपने कानों में लगाना पड़ेगा, ईयर टेस्ट हो रहे हैं। धड़कन सुनाई दे रही है? उनको बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही। कैसे सुनाई देगी, मेरा दिल तो इनके पास है ना। बट मैं ना आपका ना एक टेस्ट करना चाहूंगा, बिकॉज यू आर अ जज। हाँ, बिकॉज यू आर अ जज। अच्छा। एंड एज अ जज आई वांट टू सी दैट हाउ डू यू डू कपल डांस, नॉट कपल डांस, कपल डांस। So, please, oh, what a ring, that is so nice. दो मिनट तक देखता रहो, मेरी आंखों में मोती हो जाए। आइए। मैंने कभी इतने करीब से नहीं देखा किसी ब्यूटी लगी। नहीं ठीक है। That's okay. मेरी पप्पू टूट गई बस। मैं जानती थी कि आप गिरे हुए, लेकिन इतने गिरे हुए मुझे। मैं ना आपको देख के गिर गया। ऐसे कौन शाबाश देता है भाई? हैं? आपकी पार्टनर कहाँ है? शिल्पा, आपके शिल्पा आप बैठिए, आप बिल्कुल नीचे का डांस करेंगे। अच्छा, कौन है? पहली बार देखा मैंने, पेड़े की एंट्री बर्फी पे हुई है। हेलो अनुराग जी। नमस्कार। हेलो शिल्पा जी। पहले लड्डू खा लो अपना। पॉइंट है, लड्डू उड़ उड़ के उनके ऊपर जा रहा है, सुख है ना। हेलो गीता जी। ए गुराटे, मेरा वेट नहीं कर सकता था तू? अरे तेरा वेट किया था, 208 किलो निकला था, मेरी मशीन टूट गई, तेरे को पता। मेरे पैसे निकाल दे, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास बाल डाई करने तक के पैसे नहीं है। ए बचपन में बाल कौन डाई करता है? मैं इनका डाई हार्ड फैन हूँ ना, तो मैं करता हूँ। ओके डाई कौड़ी का जोक मारा है इसने, एकदम डाई कौड़ी का जोक मारा। मेरे से मार खाएगी तो। ए ओ हेलो, ओ बुजुर्ग बच्चों, जाओ अंदर जाके लड़ो। अनुराग जी, मैं आपको बताना चाह रही थी कि मेरे जो पिताजी हैं ना, उनमें और आप में एक चीज कॉमन है। वो क्या? वो भी बर्फी बनाते हैं, आप भी बर्फी बनाते हैं। वैसे कि फ्लो फ्लो में चौक पे चौक मारे जा रही हूँ ना। ये तो आपकी बर्फी फिर उनकी डीवीडी भी बर्फी समझ के खा गई थी, बहुत बेचारी भूखी है। वाह अंकल वाह, ऐसे ऐसे लगातार क्यूट क्यूट प्यारी प्यारी आप बातें करते रहेंगे ना, तो बहुत जल्द आपकी गोद में बैठ के आपकी गोद तोड़ दूंगी मैं। ओके अगर आप लोग टैलेंट देखना चाहते हैं तो मैं सबसे पहले आपको अपना एक्टिंग का टैलेंट दिखाना चाहता हूँ। एज ए जज यू कैन सी इट। ओके गीता, फोकस ऑन मी, फोकस इन अजल।
अंजल है। अंजल मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। तो मैं पता है अंजल, मैं तुम्हारे लिए रोज चलता हूँ रोज गिरता हूँ रोज चलता हूँ रोज गिरता हूँ रोज चलता हूँ रोज गिरता हूँ। अंजल आ कितने ज्यादा गिरे हुए आदमी हैं आप। पहले शिल्पा थी, फिर गीता हो गई, अब अंजलि हो गई। तो कोई बात नहीं, मैं गीता के लिए बोल देता हूँ। गीता ओह नो, मैं तुम्हारे लिए चलने के लिए तैयार हूँ। गीता माँ बोलो आप। माँ होगी तुम्हारे। मेरी माँ उधर है। नमस्ते आंटी जी। लेकिन गीता मेरी माँ नहीं है। सब लोग जानते हैं कि धरती मेरे माँ है। सिर्फ छह। तो मतलब मान गए आप लोग कि हम डांस के बाद जाएंगे ना। तीसरे बादशाह हम है। चौथे बादशाह हम हैं। चौथा नहीं, झूठा बादशाह है तो फालतू बात कर रहा है। तुमने देखा तो दुनिया का सबसे गंदा बच्चा लग रहा है। सीरियसली, इसका शो से कोई लेना देना नहीं, मैं सच में कह रहा हूँ। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। पर आपको सीरियसली हमारे बच्चों का टैलेंट पसंद आया? थैंक गॉड ये ऐसा टैलेंट हमारे शो पे नहीं है, वरना सब हार जाते ना। इनके लिए बनती है सर। हाँ Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates